अलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, खैरियत है। तो आज ईद का दिन है, आप सबको, सब मुसलमानों को, अहले सलाम को, सबको ईद मुबारक हो। और मेरे लिए ईद भी है, ईद की खुशी भी है, बहरहाल परेशानी भी है, तकलीफ है, नुकसान भी काफ़ी हुआ है। एक तो पट्ठा मेरा 2 4 दिन पहले उड़ गया, 10 12 हज़ार का पट्ठा था, उड़ गया। और अभी ये पट्ठा है, कल परसों इसके वीडियो अपलोड की थी, समझ नहीं लगी क्या हुआ इसको, ये मर गया। देख रहे हैं आप, अच्छा खासा कितना का वजन है। बहरहाल नसीब मुकदर की बाजी है, पता नहीं नजर लगी, पता नहीं इसने कोई रात को टप्पा लगाया है, फड़की लगाई है, कोई चोट लगी है, बिज़ाहिर कोई भी निशानी नहीं है कि पता चले। कल इसकी मैंने दवाई भी की थी, कल शाम तक ठीक था, बहरहाल सुस्त था। सुबह उठा तो ये सिलो बैठा हुआ था पिंजरे में। मैंने इसको धूप दिखलाई, खिलाई, ब्रोफेन का पानी बनाकर इसको वो भी दिया, 4 5 कतरे। उसके बाद थोड़ा मैंने कहा शायद इसने वीट वगैरह नहीं की थी, मैंने कहा शायद इसका पोटा बंद है या क्या हुआ है, समझ भी नहीं लगी। तो इसको थोड़ा जा मैंने गुड़ भी डाला, पुराना गुड़ का थोड़ा आधे चने बराबर वो भी मैंने इसको डाला, फिर इसको दम पे रखा। बहरहाल मुकद्दर की बाजी है, दुआ करना अल्लाह पाक जो भी मुसीबत है वो दूर करे, तकलीफें दूर करे। हर मुसलमान पर, हर इंसान की तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें दूर करे। और ये काफ़ी बड़ा नुकसान है यार, एक तो परिंदे का दुख है। ऐसे दम जो इन एक हफ्ते में 20 25 हज़ार रुपये का लॉस पड़ा है, 20 25 30 हज़ार रुपये दवाइयों पे लग गए। बहरहाल वो मालिक है, वो करम करेगा। दुआ करना और अपने परिंदों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स भाई।